ये जो अभी लेटा है ना, मालूम है कौन है? कौन है? लखपति है, लखपति। लखपति तेरे जाल में फंसा? अरे लखपति ही जाल में फंसते हैं, आपको भरोसा नहीं है? मालूम है ये क्या है? ये चट्टी है। ये चट्टी नहीं, चिट्ठी है ये। ये कोई मामूली चिट्ठी नहीं है, इसमें इसमें लिखा है इस आदमी को किन किन लोगों से कितने पैसे लेने हैं, पूरा हिसाब लिखा है लाखों में। और जो लोग इसका पैसा नहीं दे पाए होंगे उन्होंने इसको समुद्र फेंक दिया। देखो इसका थोड़ा तो देखो, आपके जैसा है नहीं ना, किसी अच्छे घराने का नहीं लगता। मालिक बहुत आसान है, इसकी जान हमने बचाई, उसका कितना मिल सकता है? कम से कम 5 लाख तो मिलेगा ना। किससे? इसके बाप से। तू जानता है इसके बाप? वो तो इसकी माँ जानती होगी ना। तुम्हारा कौन है इसके? अरे वो तो इससे पूछ लेंगे। ये कौन है? इसे तो वो जानते होंगे ना। वो कौन? इसके माँ बाप। ये कौन है जाने बुका? इसके माँ बाप को पता कैसे लगेगा? ये क्या? एक आइडिया है मेरे पास। क्या? इसका फोटो खींच के इसे दिखा के इसे पूछ लेते हैं ये कौन है, तब तो बताएगा ना ये कौन है। मालिक आ गया। कौन? होश, इसको होश आ गया। देखो आगे कौन कर रहा है। तू मरा नहीं है, तू जिंदा है। हाँ, तुझे जिन जिन लोगों से पैसे लेना है सबकी लिस्ट मेरे पास सलामत है। हाँ, हम साथ में मिलकर वसूली करेंगे। ये पूरा पी गया, ये ठीका ठेक कटोरा पी गया। उसको बोल कि उसका माँ बाप किधर है, कौन है, हमारा पैसा कब देगा, उसको बोला कि नहीं? तो अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया ये बहरा है? बहरा? ये सिर्फ एक ही भाषा समझ सकता है, इशारे की। मालिक मेरी तरफ देखो, देखो मैं दिखाता हूँ। जब्बा 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 और सही है, ये बहरा का धंधा भी है। अरे इशारे की भाषा में पूछो मालिक। तो तू पूछ उसको, पूछ उसको कि तेरा कारोबार का, पूछ। ठीक है, तेरा घर बार, तेरा घर बार किधर है? और सूप मांग रहा है? सूप नहीं, घर बार। छोटू बाबा खाने पीने की बात करता रहता है, अब मैं इससे पूछता हूँ। पूछो मालिक। तेरा गांव? कुआं? कुआं पानी? तेरा गांव किधर है? किधर है? ये कौन सा गांव है? ये आपसे पूछ रहा है आपका गांव किधर है? शमशान घाट है। जबा जबा, मैं हिंदुस्तान की सब जगह तुझे इशारे से पूछूंगा, तू बताना तेरी जगह कौन सी है। हाँ? जबा आ, आ, जबा आ, ये क्या है? तू नहीं समझा? लातूर, लात मार रहा हूं, लातूर। अभी आपने उसे बोला तो समझ में आया। चलो एक बेवकूफ को तो समझ में आया, अब इस खते के बच्चे को कैसे समझा? मालिक इसको रत्नागिरी पूछो, रत्नागिरी। रत्नागिरी रत... आ, रत्न 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 गिरी गिरी गिरा गिरा हाँ मालिक रत्न रत्न गिरी गलत समझा रहा है। मैं इसको यहाँ के बारे में पूछता हूँ, कोलकाता के बारे में। कोल कोल काटा? मालिक संभल पूछो इससे, नहीं तो काटा लगा मुझे ये। नाम मांगने के लिए सही वक्त पे आए मालिक। चलो 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 नहीं, अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल। आओ आओ मारुति, क्या लेने आए यहाँ?
नमस्ते सेठ जी, अब वोट लेना है। तुझे गुजरातियों की ताकत का अंदाजा नहीं है, अगर तुझ में हिम्मत है तो अखाड़े में आ, दो हाथ कर और हम में से किसी एक को हरा, अपनी नाव वापस ले जा। बहुत अच्छा मौका है मालिक, एक आदमी उठा के पटक देते हैं, नाव वापस लेके चलते हैं। अगर मैं जीत गया तो वोट वापस नहीं करके, और मेरा पैसा तो उधारी माफ। माफ? हाँ। पक्का? पक्का। सबके सामने? हाँ। चलो 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 चलो। माँ आशीर्वाद दे, तेरे बेटे को पछाड़ करूँ, आशीर्वाद दे। तो चट्टी पहनी है इसमें आपको क्या? लेकिन मैंने नहीं पहनी है। कम से कम दूसरे घर तो चट्टी पहन के आना चाहिए था ना। क्या करे, चट्टी भी उसके पास है। वो कैसे? अरे मैंने बोर्ड पे चट्टी सुखाने को रखा थी, बोर्ड गई चट्टी गई। हाँ तो पहले चट्टी मांग लेते, बाद में नाव मांगते हैं। नहीं, पहले बोर्ड फिर लंगोट। क्यों भाई, क्या हुआ? अभी से पसीना छूट गया? नहीं नहीं नहीं, पसीना नहीं, लेकिन अगर कुछ और छूट गया तो उसे रोकने के लिए जो चीज चाहिए वो नहीं है इनके पास। और चौहान साहब, आप ये मत समझना कि हम लोग डरपोक है। नहीं, मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। हाँ, इससे मेरी जगह ये लड़ेगा। क्यों, तुम सूरवीर नहीं हो? मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं लड़ रहा। ये बराबर बोल रहा है, मैं इसके साथ नहीं लड़ सकता। तो ठीक है, शीतल के साथ लड़। शीतल अभी पता चले। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको आता है? ये कौर का? ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। नहीं नहीं, कपड़े महंगे हैं, जो नहीं जानता वो धोएगा तो कपड़े फट जाएंगे। तो ये काम तो तुमको ही करना पड़ेगा। खसखस खसखस के मर जाएगा। धोबी घाट किधर है? अरे पेट में खाड़ो पुरवा का मतलब मालूम है क्या है? वो खाना खाने के लिए बुला रहा था। क्या चाचा भी काम कर? क्या खाना? हाँ, चौली की सब्जी है, चपाती है और मिठाई में घोघरा है। खाने में चौली सब्जी और क्या? चपाती। चपाती और मिठाई में क्या था? वो क्या बोलते हैं गुजराती में, घुंगरा है, घाघरा, घुंगरा घुंगरा घुंगरा। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता है? इस घर का असूल है कि एक बार किसी ने मना कर दिया तो दोबारा उसको खाना नहीं मिलता। ये भगवान क्या जुलम है, सारा काम करूं मैं, खाए वो, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, एक बार सबका खाना हो जाए, हाँ। कुछ खाना बचेगा तो मैं उनसे कह दूंगा, वो तुमको बुला लेंगे। कुछ करो ना, गिल्ली करा मेरी। मुझे
गुजराती नहीं आती, इसलिए जब उन्होंने खाने के लिए बुलाया तो मैं गया नहीं। मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? शू शू हाँ शू तो मैंने कपड़े पॉलिश कर लिए और कपड़े भी धो डाले। अब मुझे क्या वो क्या 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 बोला था उस नौटंकी ने, मुझे घाघर चोली मिल सकता है क्या? शू घाघरों ने चोली? हाँ घाघरो चोली, घाघरो चोली। कौन हो घाघरो चोली? आप दो ना, आप दो ना। आलिया राज मगर ना तूने आ घाघरो चोली जोई थी? जो ये थे, जो ये थे, जो ये थे। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं अपने आप ले लेता। या आप I'm
Yeah.
We'll be right back.
ain't naughty, but kill her, not the ski ho. Searching for this fine shorty, in my world the number one hottie. Everywhere she make him go crazy, but kill her, not the ski ho. Oh,
Hey,
की सड़क में तकड़ी तड़क भड़क में ओले गिरे सुलगते से सड़क में सुधरी नदी बगल में आया ही ना अकल में ये भागे हम ये भीगे हम अकड़ में तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो चाहे जनाना या मर्दाना भाईयात बकवास है ये उपमा फिर
शेख फिनाइल जहर होता है, मैं मर गया तो? ए नौजवान, आज मत मरना। एक तो काम वाली बाई नहीं आई, ऊपर से बच्चों के एग्जाम सर पर है। पर वेकेशन तक रुक जाइए, बाद में मैं ही आपको। हर्ष बाई आ गई। अरे पर हाँ हाँ वासंती आ रही हूँ। कौन? मैं ईश्वर, बुद्धि दे, अकल के लड्डू बांटने आया हूँ। अरे कोई ईश्वर आए हैं? अरे पंजाब प्रभु, आइए 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 बधाइए। कहाँ मर गया कथा? मैं यहाँ बाबू जी। ये है मेरा बड़ा बेटा प्रफुल। मैं हूँ प्रफुल, मेरा नाम प्रफुल है। लोग प्रफुल कह के जब मुझे बुलाते तो मैं जवाब देता हूँ, मैं मेरे मुंह से। अरे बस अजय, हंसा कहाँ है? हंसा हंसा क्या है प्रफुल? मैं तो थक गई भाई साहब। ये है मेरी बहू हंसा। हेलो, अरे क्या खाना खा के जाना, पहले पानी का तो पूछो हंसा। आप ही हाँ पानी कितने बजे आता है हो? मैं पीने के पानी की बात कर रहा हूँ हंसा। क्या पानी? ये हंसा का भाई। हाँ हिमांशु। और मैं ईश्वर। अच्छा करते क्या है? ईश्वर जिनके मंदिर बनते हैं। रजनीकांत धन्यवासी धन्यवासी। अरे ईश्वर भगवान परमेश्वर, मैं अकल के लड्डू बांटने आया हूँ। अच्छा अच्छा परमेश्वर मतलब गॉड ऊपर वाले? हाँ। अरे भाई ऐसे वस्त्र और मुकुट पहन के आया हूँ तो भगवान ही होगा ना। ओ बस ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है आपने फैंसी ड्रेस में हिस्सा लिया हो और उसमें आप भगवान बने हो। हम तो हर साल लेते हैं फैंसी ड्रेस में हिस्सा। पिछले साल है ना मैं टीचर बनी थी, आप देखियो। ये टीचर है? है तो फिर बढ़ाती क्यों नहीं? क्योंकि इस वक्त तो घर पे बैठी है। या टीचर तो स्कूल में होगी तभी पढ़ाएगी ना, ऐसे 24 घंटे थोड़ी बोलेगी। बी फॉर बिरयानी, डी फॉर ढोकला, जी फॉर मसाला, एम फॉर मसाला। मैं गरम मसाले की बात कर रहा हूँ। तो आप घर बैठी हुई टीचर बनी थी? हाँ? है? ये लोगों की समझ में आया था? हाँ? इसलिए तो अंसा को पहला इनाम मिला था। पहला इनाम? तो आप लोग क्या बने थे? हिमांशु दाल बना था। हिमांशु ये दाल है? है? जमीन पर गिरी हुई है। और वो देखिए बाबूजी, वो दाल का पतीला बने थे लेकिन वो तो ऊपर है। हाँ तो पतीला नहीं गिरा था, सिर्फ दाल गिरी थी। सेकंड प्राइज। जरा मेरा वो एक मिनट मेरे प्रफुल क्या बने थे वो तो देखते जाइए। ए प्रफुल ये क्या है? ताजमहल ताजमहल, मैं ताजमहल बना था। एक मिनट आप टीचर ये दाल ये पतीला ये सब समझे हाँ। लेकिन आप ताजमहल जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। अरे प्रफुल महाभारत के टाइम के ताजमहल बने थे। महाभारत के समय ताजमहल था ही नहीं। हाँ तो इसलिए तो मैं नहीं दिखता ना ताजमहल जैसा। अब थोड़ी तो अकल इस्तेमाल करो। और हमें अकल के लड्डू बांटने निकले थे। बेचारे भगवान की भी नहीं चली। इस तरह हमारे घर के बड़े के बड़े लोगों के सामने बेचारे भगवान की भी नहीं चली। बड़े लोग बड़े लोग। Mind blowing. That was a nice program that we had since morning. The music.
demand that we had before the recess was enticing. Now, I would like to call upon our chairman of our Board of Trustees, Mr. Alfred Rao, to give a small word of thanks. All the students, can you all hear me? I suppose it was a thrilling experience. It was so nice to see all the children get together and perform. Let me tell you, you look so beautiful when you're well behaved. You look so nice when you execute good manners. And that is what we expect from all of you. Heartfelt thanks to all the participants. Heartfelt thanks to all the teachers who have cooperated in putting up this show. God bless you all. And before we dismiss, I want all of you to stand up. Punjab, Sindh, Gujarat, Pratha, Dravida, Utkal, Banga, Vindhya, Himachal, Yamuna, Ganga, Uchal, Janajita, Ranga, Tapashubha naam hai jaage, Tapashubha aashish maage, Gaaye tava jaya gaata, wishing you all a Merry Christmas. God bless you all.